वाइल्डलाइफ ट्रस्ट द्वारा 2008 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन दाखिल की गई, जिसका कि मुख्य प्रेयर जो था, जो मुख्य प्रार्थना थी, वो था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए रिट पिटीशन दाखिल हुई। परंतु जैसा कि अभी हमने फरवरी में देखा कि फरवरी 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि जिन सभी लोगों के ऐसे आदिवासी या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कि जंगलों में रहते हैं, जिनके पास पट्टा नहीं है, उन्हें इनक्रोचर माना जाए और उन्हें जंगलों से एविक्ट किया जाए। इसमें कई त्रुटियां निकलकर सामने आई, जिसका कि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखी और कही कि जिस तरीके से पट्टों का निष्पादन किया गया, उसमें कई त्रुटियां सामने निकल कर आई। मैं झारखंड के कुछ फिगर्स सामने रखना चाहता हूँ। झारखंड राज्य लगभग 26% ट्राइबल्स रहते हैं, और जो झारखंड सरकार ने जो भारत सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दाखिल किया है अपना शपथ पत्र, उसमें कुछ मुख्य बातें उन्होंने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 110,756 टोटल क्लेम जो है जो कि फाइल किए गए, और उसमें से लगभग 61,970 क्लेम को झारखंड सरकार ने माना, बाकी सारे क्लेम्स को या तो कुछ क्लेम्स को रिजेक्ट किया या कुछ क्लेम्स पेंडिंग रहे। और जो मुख्य कारण रहे रिजेक्शन के, उसमें से उन्होंने 7 कारण दिए। उसमें पहला था नॉन पोजेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जिसमें कि उन सारे लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया जिनके पास कब्जा नहीं था। दूसरा था लैक ऑफ एविडेंस, जिनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। तीसरा था नॉन ट्राइबल स्टेटस, ऐसे सारे लोग जो कि अप्लाई किए अपने पट्टे के लिए पर उनके पास आदिवासी होने का कोई प्रमाण नहीं था। चौथा था मल्टीपल क्लेम्स फ्रॉम वन हाउस होल्ड, उन्होंने यह बात भी रखी कि एक परिवार से कई क्लेम आए। पाँचवा था इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, कि आवेदन पत्र पूरे नहीं थे। छठा था इन एलिजिबल एप्लीकेशन, ऐसे सारे लोगों ने एप्लीकेशन किया जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। और सातवां और अंतिम जो था कि कोर्ट केस, जैसे उसी जिस पट्टे के बारे में, जिस इस लैंड के बारे में क्लेम रेज किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है। इसमें मुख्य बातें जो सामने निकल कर आई थी, और जो सारे संगठनों ने, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में संगठनों ने आंदोलन किया, उनका ये कहना था कि ये जो कारण बताया गया सरकार द्वारा है, ये सरासर गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जो रिजेक्शन ऑर्डर थे, उस रिजेक्शन ऑर्डर में न तो कोई कारण दिया गया और न ही रिजेक्शन ऑर्डर उन परिवारों तक पहुँचाया गया। इससे उन सारे लोग जो जंगलों में रह रहे थे, उनको ये भी पता नहीं था कि उनके क्लेम्स रिजेक्ट किए गए, और जब से उन्होंने क्लेम्स किया तब से न तो कोई अधिकारी ने उन्हें बताया, न इसकी कोई सूचना दी गई। तो पहली बात कि जब उन्होंने कोई कारण नहीं बताया और न ही सूचना उन तक पहुंचाया, और ये मान लेना कि ये ट्राइबल राइट्स, ये इनके पट्टे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, ये अपने आप में सरासर गलत है। क्योंकि जब तक आप किसी को कारण नहीं बताएंगे कि उनके पट्टे क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनके पास कोई भी अगला स्टेप लेने का और नहीं अपना पक्ष रखने का कोई ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये मूलतः ये सारे राज्यों का यही स्थिति है। सारे राज्यों के एफिडेविट में ये बात सामने निकल कर आई है कि सरकार ने जहाँ जहाँ भी जिन जिन के भी पट्टे रिजेक्ट किए हैं, उनको न तो कारण बताया है, न ही उन लोगों को यह सूचित किया गया है कि उनके पट्टे रिजेक्ट किए गए हैं। झारखंड चूंकि एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, उसमें ये बातें बहुत प्रखर रूप से निकल कर सामने आई हैं। और अभी हमारे साथ काफ़ी संगठन जुड़कर यहाँ पर यह बात को सामने लेकर आए हैं कि फॉरेस्ट राइट्स अधिनियम के तहत जो ब्यूरोक्रेसी का एक रोल है, जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो एक तरह से हावी होकर के एक परस्पर लोगों को बाहर निकालने का जो उनका कवायद है, ये काफ़ी गलत है, और इसके लिए लोग सक्रिय हैं और वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। Thank you.